एमआर न्यूज की टीम इस समय पहुंची है नौतनवा तहसील के हरदी डाली गांव निवासी एक कंबाइन संचालक की कल रात को उनकी सीने में तेज दर्द हुआ और इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। इस समय हम उस खबर की तहकीकात करने के लिए पहुंचे हैं नौतनवा तहसील के हरदी डाली गांव में। हमारे साथ परिजन है जिनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का मामला हुआ और कैसे उनकी मौत हो गई है, क्या उनको पहले से इस सीने में दर्द की शिकायत थी या नहीं। बातचीत करने के लिए उनके लड़के हमसे उनसे बातचीत कर लेंगे कि किस तरह पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल गुप्ता है सर। किस तरह का मामला हुआ रात में? मामला ये हुआ सर, तहसीलदार जी गए वहाँ पे चेक किए, हम लोग कंपाइन चला रहे थे जो कि किसान बोले कि हमको पुआल चाहिए, हम अपना रिपर, हमारे पास रिपर भी है, रिपर वो लोग नहीं लगाने दिए, बोले हमको पुआल चाहिए इसके लिए हम रिपर नहीं लगाएं। तहसीलदार साहब गए वहाँ पे, बोले सब पेपर लेके अपना तहसील में आओ। हमारे पिताजी तहसील में गए और हमारे भाई लोग हुए हैं सब लेके उनको गए वहाँ, उनको टॉर्चर किया गया। तहसीलदार थे कि नायब तहसीलदार थे? तहसीलदार थे सर। तहसीलदार थे जी सर। वहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया, पैसा का डिमांड किया गया, चैम्बर से उनके बाहर निकले, सीना में दर्द आया, वहाँ से दो खुराक दवा आया दर्द के लिए, वहाँ से नहीं वो हुआ, फिर वहाँ बने लिया मंदिर के स्थान के पास एक है हॉस्पिटल, वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल में लाया गया, उनको अंदर ले गया गया, वहाँ मृत्यु उनका हो गया। अभी रात में आप लोग लाश रख के कुछ हंगामा किए हैं वहाँ? लाश थोड़ा देर के लिए रोका गया था लेकिन प्रशासन हटा दिया गया, प्रशासन बोले घर पे ले चलो, प्रशासन यहाँ पे हम लोग लेके आए घर पे, प्रशासन उठवा के मेडिकल जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी क्या माहौल है? अभी माहौल शांति है सर, लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, जो हुआ है हमारे साथ हमको न्याय चाहिए, हमारे पिताजी आएंगे नहीं लेकिन जो हमारे साथ जो हुआ है उसको न्याय चाहिए। अभी सब पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है जी सर, तो उसमें कोई घर से गया है? घर से गया है जी 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 सर। इसमें दोषियों पे आप लोग कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो इसकी जांच कर उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। जी 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 सर। लड़के थे और इन्होंने साफ तौर से बताया है कि तहसील में जाने के बाद उत्पीड़न हुआ जिससे उनके सीने में तेज दर्द हुआ। घर के गांव के ही लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, जैसे गांव में और लोग कंप्लेन रखे हुए हैं उनका भी देखना चाहिए क्यों लेके आदमी के पीछे सब लोग हैरान हैं। आपका? हम इनके रिश्तेदार हैं, हम सिद्धार्थ नगर के आने वाले, हमारा नाम घरभरण गुप्ता है। अच्छा, आपको मतलब रात में जानकारी हुई तो आप यहाँ? जी, हमको 8 बजे फोन मिला, हम नेपाल हो तो साइकिल चला। आप लोग परिजन है, उनके क्या मांग कर रहे हैं आप लोग शासन प्रशासन से? भाई उचित न्याय होना चाहिए, जो उनके साथ अन्याय हुआ उसको उचित न्याय होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई हो। जी हाँ जी हाँ। हमारा नाम मोहन गुप्ता है। क्या क्या मांग कर रहे हैं? अब जो कुछ भी हुआ वो लोग जो कह रहे थे उनके बात सुनिएगा, वो लोग कह रहे थे हमको पराली चाहिए, इसलिए ये लोग काट भी नहीं रहे थे, हमारे गांव डी के पास ही है तो ये लोग नहीं काट रहे थे, तब भी वो मनाए उनाए किसी तरीके से काटे, अब काटने के बाद ये घटना हो गई। मतलब ये तहसीलदार साहब मौके पे आए हुए थे? तहसीलदार यहाँ से मौके पा उसके बाद फिर तहसील में बुलाए, तहसील में जाने के बाद इनके पिताजी की तबीयत मतलब असरफी जी की तबीयत खराब हुई। यहाँ नहीं, यहाँ